दिनांक 1 फरवरी 2023 को राजेश राघव निवासी ग्राम कड़कड़ मॉडल ने थाना लिंक रोड पर अपने पुत्र अंशु उम्र 12 वर्ष को जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संबंध में मोबाइल नंबर 8476828366 धारक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से व मुखबिर की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 7 फरवरी 2023 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त किशोर कुमार नायक को ग्राम कड़कल मॉडल से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को बरामद किया गया। पूछताछ का विवरण बता दें आपको, अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह पहले राजेश राघव के मकान में किरायेदार था तथा राजेश राघव के साथ मिलकर काम भी किया था। अब ग्राम कड़कड़ मॉडल में ही चौमिन का छेरा लगाता है। मेरा काम धाम कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मुझे जानकारी थी कि राजेश राघव के पास अच्छी खासी रकम है। मुझे एक मोबाइल फोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला था जिसमें सिम चालू हालात में थे, तो मुझे रुपयों की जरूरत थी तो मैंने योजना बनाई। लालचवश राजेश राघव से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने के बाद मैंने वह सिम तोड़ कर फेंक दिया था तथा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था। मैडम, एक शादी में गिरफ्तार हुआ 20 लाख रुपए की, इसमें रंगदारी मांगी थी, कौन ही है, कौन है ये, क्या प्रोफाइल है, कैसे मांगी थी? 31 तारीख की रात को वादी, जो हमारे मुकदमे 1 तारीख को जो मुकदमा लिखा गया था लिंक रोड पे, उसमें वादी ने बताया था कि 31 तारीख की रात को उनको एक रात में करीबन 10:30 बजे एक कॉल आया था जिसमें उनके बच्चे की सलामती की हवाला देते हुए कहा था कि 30 लाख रुपये तैयार रखो वरना तुम्हारे बच्चे को मैं हार्म कर दूंगा। उसके बाद से हमने इस पर मुकदमा लिखा था और टीम्स लगाई गई थी इसके लिए। जिस नंबर से कॉल आया था उसको भी ट्रेस किया गया, काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए। आज फाइनली 7 तारीख को एक अपराधी को, इस किशोर कुमार नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है थाना लिंक रोड द्वारा, और जिस फ़ोन का इस्तेमाल करके इसने कॉल किया था वो फ़ोन भी हमने बरामद कर लिया। प्रोफाइल क्या है इसका? प्रोफाइल क्या है इसका? ये थाना लिंक रोड में ही एक चाउमीन का ठेला लगा था। कितना पढ़ा लिखा है और किस लिए इतनी मोटी रकम ये रैंसम के रूप में लेना चाहता है? तो मालूम कैसा हुआ था कि जो इनके पड़ोसी है उनके पास में इतना पैसा है और कौन करके ये आसानी से चले सकता है, क्या प्लानिंग थी? इसको किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि वादी ने हाल पिछले 1-8 साल में कोई प्लॉट बेचा है जिससे उसको काफ़ी रकम मिली है और उसके घर में भी काम भी चल रहा है, तो उसको अंदाज़ा था कि इनके पास कैश होगा और एक ही बच्चा है इनके, तो इसके लिए मैं मांगूंगा तो वो मुझे पैसे दे देंगे। इसको एक काफ़ी दिनों पहले एक फ़ोन मिला हुआ था रेलवे स्टेशन के पास, उस फ़ोन को और सिम को इसने संभाल के रखा था कि कभी मुझे अगर अपराध इस टाइप का काम करना होगा तो मैं इसको यूज़ करूंगा, और जब फाइनली इसको मन में घटना करने का विचार आया तो उसने वही फ़ोन और वही सिम इस्तेमाल की। गिरफ्तारी के लिए इसमें बहुत प्रयास करने पड़े थे क्योंकि सिर्फ एक नंबर था हमारे पास जो कि नंबर भी अननोन और फ़ोन में भी कुछ हमको ट्रेसेस नहीं मिल रहे थे। काफ़ी 4-6 दिन बाद इसमें काफ़ी सर्विलांस पे काम हुआ, काफ़ी सारे आईडीज चेक किए गए, काफ़ी सारे नंबर्स चेक किए गए, उनमें से पर एक नंबर निकल कर आया। जब इसको हमने उठाया तो उसने अपनी पूछताछ में बताया कि हाँ मैंने इस तरीके के फ़ोन का इस्तेमाल करके मैंने रंगदारी मांगी। मैडम, इसने पूछताछ में क्या बताया, किस लिए इसे इतने ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी और इसने इस तरह का? इसने बताया कि ये एक्चुअली पड़ोसी है, उसका तो जानता तो था ही और ईर्ष्या भी रखता था उससे। जब इसको कोरोना के टाइम पे भी इसका भी एक इसकी भी बिजनेस में मंदी आ गई थी और उसका बिजनेस फल फूल रहा था, तो ये देख के उसके मन में ईर्ष्या आई थी।